12 साल की उम्र में सन्यासी तो बन गया, लेकिन सांसारिक मोह माया को छोड़ नहीं पाया। महंगी महंगी चमचमाती गाड़ियों में घूमना, हॉट एयर बलून में आसमान की सैर करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, बुलेट पर राउडी राठौर की तरह सवारी करना और जेब में एक साथ दो दो आईफोन लेकर घूमना। क्या आपने कभी किसी संत के ऐसे शौक देखे है? लेकिन महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या और ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं के रेप का आरोपी आनंद गिरी कुछ इसी तरह के शौक रखता है और लग्जरी लाइफ जीता है। एक समय था जब आनंद गिरी को छोटे महाराज कहकर पुकारा जाता था। वो नरेंद्र गिरी के सबसे चहेते शिष्यों में एक थे। मठ और मंदिरों में गुरु के बाद आनंद गिरी का आदेश चलता था, लेकिन आज वही आनंद गिरी अपने गुरु की मौत को लेकर सुर्खियों में। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी का कृपा पात्र और एक समय में खुद को उनका उत्तराधिकारी कहने वाला आनंद गिरी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के निवासी है। सन्यासी बनने से पहले उनका नाम अशोक खंडेलवाल उर्फ अशोक चोटिया था। आनंद गिरी कभी खुली गाड़ियों में घूमते हुए देखे गए तो कभी प्लेन में लग्जरी अंदाज में देखे गए। क्या कभी कोई संत को फ्रेंच कट बियर्ड रखते हुए देखा है? लेकिन आनंद गिरी एक ऐसे संत और महंत है जो फ्रेंच कट में दिखते हैं। इनके बैठने का अंदाज ही रॉयल है, इसलिए इन्हें काफी संख्या में लोग महंत से अलग हटकर ही बताते हैं। आनंद गिरी की अलग अलग महंगी कारों के साथ पोज देते हुए फोटो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। इसमें पजेरो, BMW और लंबोर्गिनी जैसी गाड़ियां शामिल है। वैसे तो वे भगवा कपड़ा ही धारण करते हैं, मगर उनका भगवा कपड़ा भी काफी कीमती हुआ करता है। इनके कपड़ों की कीमत हैरान करने वाली होती है। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन तो आजकल हर किसी के हाथ में हुआ करता है, मगर आनंद गिरी एप्पल कंपनी का ही मोबाइल फोन रखते हैं। महंत नरेंद्र गिरी और अन्य लोगों ने आनंद गिरी पर चढ़ावे के पैसे की चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया था। उन पर चढ़ावे के पैसे का दुरुपयोग करने और पैसे को अपने परिवार पर खर्च करने का आरोप लगा था। करोड़ों की संपत्ति में भी हेरफेर करने का आरोप है, जिसके चलते महंत नरेंद्र गिरी ने अपने अखाड़े से आनंद गिरी को निष्कासित कर दिया था। धोखेबाज आनंद गिरी विमान में बिजनेस क्लास में सफर करता है, वो भी शराब के साथ। उनकी ऐसी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। उसी को लेकर लोगों ने संतों और महंतों पर तमाम प्रतिकूल टिप्पणियां भी की थी। आनंद गिरी को अपना रसूख दिखाने का काफी शौक था। इसकी वजह से उनकी सुरक्षा में दो पुलिस के जवान भी तैनात रहते थे। जब भी माघ मेला जैसा बड़ा अवसर आता तो जवानों की संख्या 4 से 6 हो जाती थी। मठ के सदस्यों के मुताबिक एक संत को इस तरह का जीवन शोभा नहीं देता था, जिस वजह से कई बार उनकी शिकायत भी की गई। इन्हीं सब के चलते महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी से दूरी बना ली। इन्हीं राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।